भागते रहो भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग भी गौर कभी, करेंगे लोग भी गौर कभी, लगे रहो बस रुकना मत, लगे रहो बस रुकना मत, लगे रहो बस रुकना मत, दौर आएगा तुम्हारा भी कभी, दौर आएगा तुम्हारा भी कभी। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है दिल से दिल तक किस क्लास में। आज के इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों डिस्कस करेंगे क्लास 10th और 12th के बारे में, एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि हमारे क्लास 10th और 12th की परीक्षा में आने ही वाला है। तो दोस्तों आज हम इनके कुछ है अपोजिट यानी एंटोनम्स की बात करेंगे, जो ऐसे एंटोनम्स है जो हमारे पेपर में 101% बन रहे हैं दोस्तों। तो 11-12 इंपॉर्टेंट एंटोनम्स मैंने आपको निकाला है, इन सबके एंटोनम्स मैं आपको बताऊंगा। आप आराम से वीडियो को देखकर अंत तक वीडियो को वॉच करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अब 12th और 10th से संबंधित जो इंपॉर्टेंट वीडियोज है वो आपको मिलता रहे। तो ये एंटोनम्स और सिनोनिम्स ऐसे एंटोनम्स और सिनोनिम्स है जो कि हमारे पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी सिनोनिम्स की सीरीज में अलग लेकर चलूंगा, अभी मैं अपोजिट यानी एंटोनम्स की सीरीज लेकर चल रहा हूं। तो आज की वीडियो में हम एंटोनम्स की चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का यह वीडियो। लिखा है दोस्तों अराइवल, अराइवल का मतलब आपको पता ही होगा दोस्तों, अराइवल का मतलब होता है पहुंचना, ठीक है। तो अब अराइवल का हमसे यहाँ पर अपोजिट, यहाँ पर जितने भी शब्द लिखे ना इन सब का हमें अपोजिट बताना है। तो अराइवल का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, डिपार्चर, ठीक है। इसका अपोजिट होता है दोस्तों डिपार्चर, ठीक है। तो ये पहले शब्द की हमने बात की। इसके बाद लिखा दोस्तों बैरन, अब बैरन का अर्थ आपको पता ही होता है, बैरन का अर्थ होता है बंजर, और इसका दोस्तों अपोजिट हो जाएगा फर्टाइल, इसका अपोजिट हो जाएगा दोस्तों फर्टाइल। अगला शब्द है वून, वून यानी होता है दोस्तों वरदान। तो वून का दोस्तों अपोजिट क्या हो जाएगा, कर्स हो जाएगा, कर्स माने होता है दोस्तों अभिशाप, कर्स यानी होता है अभिशाप। कई बार हमारे क्वेश्चन पेपर में जब पहले साइंस का एसे आता था तो यही क्वेश्चन आता था, साइंस बून और कर्स, ठीक है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो ठीक है। ठीक, अब दोस्तों लिखा है करेजियस, करेजियस का मतलब क्या होता है दोस्तों, करेजियस का मतलब बहादुर होता है। एक नोट लिखे फटाफट से, एक नोट लिखे, जिन शब्दों के लास्ट में ओ यू एस जुड़ता है उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो करेजियस क्या है दोस्तों, करेजियस एडजेक्टिव है। अब मैं करेजियस के अगर अपोजिट की बात करूं तो करेजियस का अपोजिट हो जाएगा टीमिड यानी कि डरपोक, ऐसा व्यक्ति जो डरता है उसे टीमिड कहते हैं। चलिए क्रूर, क्रूर यानी होता है दोस्तों निर्दयी, निर्दयी व्यक्ति, ठीक है, निर्दयी जिसमें दया ही ना हो, और जिस व्यक्ति में दया हो उसे क्या कहते हैं, काइंड, दयालु व्यक्ति, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से आप इन्हें तैयार करिएगा दोस्तों। अगला शब्द है कनकॉर्ड, कनकॉर्ड यानी होता है समझौता करना, तो इसका हो जाएगा दोस्तों डिस्कॉर्ड, ठीक है, डिस्कॉर्ड, कनकॉर्ड का हो जाएगा दोस्तों डिस्कॉर्ड, ठीक है। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अब दोस्तों अगला शब्द है डिफेंस, जिन शब्दों के लास्ट में ईएनसी जुड़ता हुआ नाउन। अब डिफेंस यानी क्या होता है दोस्तों, रक्षात्मक, ठीक है, कई खिलाड़ी डिफेंसिव खेलते हैं, डिफेंस यानी रक्षात्मक। तो इसका आप क्या लिख सकते हैं, इसका आप अटैक लिख सकते हैं या इसी को ऑफेंस भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं, अटैक लिख दे या ऑफेंस लिख दे, तो ये बढ़िया शब्द है। इसके बाद दोस्तों लिखा है डीप, अब डीप यानी होता है गहरा, तो हाई यानी ऊंचा, तो डीप का हो जाएगा दोस्तों हाई, ठीक है। अगला है डिमांड, जब कोई चीज डिमांड होती है तो डिमांड का क्या, मांग, तो फिर इसका हो जाएगा दोस्तों सप्लाई। अगला शब्द है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का मतलब क्या लिख सकते हैं आप दोस्तों, इकोनॉमिकल का आप मतलब लिख सकते हैं दोस्तों कि जो व्यक्ति कंजूस हो, तो ठीक है, जो व्यक्ति कंजूस होगा इकोनॉमिकल होगा, तो इसका हो जाएगा स्पेंडर, ठीक है, खर्च करने वाला। अगला है फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब क्या होता है दोस्तों, आजादी, तो फिर आजादी का हो जाएगा स्लेवरी यानी कि गुलामी। तो ये बहुत अच्छे से हमने 11 से 10 से 11 इंटरम्स तैयार किए हैं, जो आपके पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दोनों ही क्लासों के लिए, क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे लिख कर याद कर लेंगे, और अगला वीडियो फिर किसी अच्छे टॉपिक पर मैं बनाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर शानदार नए कॉन्सेप्ट के साथ, 12th और 10th के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, मिलते हैं दोस्तों।